जब 2023 की शुरुआत हुई थी तो शुरुआती दिनों से ही महीने से ही कर्क राशि एकमात्र ऐसी राशि थी जिसने तनाव चिंता को देखना प्रारंभ कर दिया। वास्तविकता कहो तो ये कई सारे कर्क राशि के जातकों के साथ में पिछले कई वर्षों से भी तनाव चिंता चल रही है, क्योंकि उनकी कुंडली में विपरीत ग्रहों की दशा वगैरह चल रही होगी इस कारण। अब वो कुंडली तो हमें नहीं पता, पर जो पता है वो आपको बता दें। पिछले वर्ष से हुआ यूं था कि 17 जनवरी से शनि देव की ढैया पर प्रारंभ हुई थी, और शनि देव की ढैया का प्रारंभ होना लो और आपके जीवन में जैसे आपके गेट में एक के बाद एक चिंताएं आई, गेट खुलवाया और आपके घर के अंदर आपके अंदर प्रवेश कर गए। अब होते 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 आपने रिश्तों में खटास देख ली, विश्वास टूटता हुआ देख लिया, पैसे का लगातार नुकसान देख लिया, नौकरी में एक नहीं कई कई बार परिवर्तन करता हुआ देख लिया, अपने सगे संबंधियों का अपना शत्रु रूप देख लिया, यानी कि उनका जो चेहरा था वो उतरता हुआ देख लिया। बहुत कुछ अगर मैं कहूँ कि ये ढैया काल ने आपको कुछ सिखा दिया है कोई गलत नहीं होगा। अब ऐसे होते हुए आ चुका है 2024 का लास्ट फेस, अंतिम फेस। अंतिम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2024 के लगभग 9 महीने जा चुके हैं, अब बचे हैं शेष अंतिम 3 महीने, और इन्हीं 3 महीनों में अक्टूबर नवंबर और दिसंबर ये जो महीने हैं ये हैं मित्रों तो सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि जिस ग्रह के कारण से पिछले वर्ष भी हुआ यह था कि भैया तो प्रारंभ हुई थी, शनि फिर वक्र हो गए। अब 2024 में भी शनि की ढैया तो चल ही रही है, शनिदेव फिर वक्र हो रखे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात तो है कि तो शनि का बहुत बड़ा परिवर्तन इन 3 महीनों के अंतराल के अंदर होगा, और दूसरा ये 3 महीने कैसे हैं ओवरऑल आपके लिए, क्या दिखाई दे रहा है आपकी जिंदगी के अंदर, कुछ बड़ा बदलाव या बड़ी परेशानी। चलिए आज बिना समय गवाए इस विषय पर चर्चा करें। नमस्कार प्रिय कर्क राशि के जातकों, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित और आप सभी प्यारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि अब हमारी आप फैमिली बन चुके हो, हमारा परिवार बन चुके हो, और कर्क राशि वालों को मैं सही दिशा निर्देश देने का कार्य करता हूं ताकि आपको जीवन में हर एक अचीवमेंट प्राप्त हो। अब कर्क राशि वालों थोड़ा पहले ये सुन लो, देखो तनाव चिंता टेंशन ये किसकी जिंदगी में नहीं है, ये सबकी जिंदगी में। जिस व्यक्ति ने जितनी चीजें जोड़ी, जितनी चीजों को साथ में लेके चला, मान के चलिए उसने उतनी टेंशन बढ़ा ली। जो व्यक्ति जिन चीजों से मुक्त है, सब चीजें छूटी हुई हैं, वो उतना ही तनाव मुक्त है। कर्क राशि वाले आप लोग होते क्या हो कि आप ना सबके बारे में सोचते हैं, आपका एक मेन मोटिव रहता है और उसमें रहता है मुख्य रूप से, देखो क्योंकि आपकी राशि है चंद्र की राशि, और चंद्रमा में एक मातृत्व होता है, माता को जैसे बच्चे से प्यार होता है ना, बच्चे के लिए माता सब कुछ अपना न्योछावर कर देती है। तो एक ऐसी राशि है कर्क राशि जो अगर कोई अपना है तो उसके लिए सब कुछ न्योछावर होने के लिए तैयार हो जाती है, उस समय अपनी बुद्धि चालाकी वो कुछ नहीं, बाद में उसको सभी आता आता है कि हाँ ये गलत होता है ये सही होता है। पर जब किसी प्रेम में हो या फीलिंग्स में हो या फिर मातृत्व वाला गुण हो, इसको गलत मत समझिएगा, तो उस समय पर कुछ नहीं समझते, फिर तो भैया जो करना है सो करना है। अब ये बहुत बड़ा दिक्कत का कारण बनता है, रिलेशन इसी कारण से आपके सबसे ज़्यादा खराब हो जाते हैं, क्योंकि आप अपने सारे गुप्त चीज़ें, अपनी सारी कमजोरी, अपनी सारी खामियां उनको शेयर कर देते हैं, और यहीं पर आपके साथ में दिक्कतें शुरू होती हैं। अब चलो खैर, आपको ये मानना चाहिए कि तनाव चिंता डिप्रेशन चाहे कितनी भी हो, जो काम आप कर रहे हो सबसे पहले तो उसमें मेहनत मत छोड़ो, क्योंकि ढैया में जिसने मेहनत करी उसने जीवन में बाद में लाभ प्राप्त किया। एको एक ऐसा रास्ता होता है, वो रास्ता इस प्रकार से कि पहले ऊपर चढ़ना है तो फिर आराम से फिसलते हुए नीचे करना, और एक रास्ता ऐसा है जिसमें पहले फिसल लो और बाद में फिर अपना चढ़ाई करते चले जाओ। अब आप समझते हो कौन सा रास्ता सबसे अच्छा रहेगा, रास्ता मित्रों पहले वाला अच्छा है कि पहले संघर्ष करो और उसके बाद में संघर्ष रूपी जो फिसलन है
जो आपको बाद में रास्ता मिलेगा उस पर अपना फिसल के अपनी मंजिल में आ जाओ। तो प्रिय कर्क राशि के जातकों, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में शुरुआत करते हैं आपके प्रेडिक्शन को। ऐसा है आपकी राशि पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करेंगे, तीनों महीने कैसे दिखाई दे रहे हैं। अक्टूबर में अगर स्वास्थ्य की बात कहो तो भैया स्वास्थ्य पर रहेंगे मंगल का प्रभाव। देखो तो मंगल आपके लिए शुभ ग्रह है, मंगल नीच राशि में रहेगा पर योग कारक होने के कारण से मंगल आपके लिए कई चीज़ों में अच्छा ही फल करेगा। पर हाँ, मंगल के कुछ कारकत्व होते हैं, साधारण बात से समझेंगे, है ना, आराम से आप आपके समझ में आए। साधारण यह है कि भैया ये क्रोध को बढ़ाएगा, गुस्से को बढ़ाएगा, आपको तेज मिर्च मसाले के भोजन इस समय नुकसान प्रदान करेंगे, कहीं ना कहीं आपको छोटी छोटी बातों का गुस्सा भी आ सकता है। हालांकि आपका मंगल का प्रभाव होने से आप एक्सरसाइज करने का मूड बनाओगे, आप कहीं ना कहीं दिनचर्या को सेट करने का मूड बनाओगे, और आपको कह भाई 5 बजे उठना है और काम पे लगना है, ऐसा करना है वैसा करना है, अपने पूरी मतलब जैसा एक मिलिट्री फोर्स का व्यक्ति होता है ना, उसकी पूरी दिनचर्या होती है सर, मतलब वैसा कुछ बनाने के लिए। पर अगर इसकी शुरुआत आप कर देते हो अक्टूबर के महीने में ही, तो भैया फिर तो आपके काम ये समझ के चलिए कि 1001% आपका काम सफल है। क्योंकि जब ऐसे योग में हम काम करते हैं, इससे पहले मंगल थे देखो द्वादश स्थान, मंगल यहाँ पर 20 अक्टूबर को आएगा, 20 अक्टूबर से पहले आपके साथ दिक्कत है, क्योंकि मंगल यहाँ आपके लिए पेट का कारक ग्रह, गर्भ का कारक ग्रह है। गर्भवती स्त्रियों को भी ध्यान रखना चाहिए और आपको आपके पेट का भी और खान पीन का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 20 तारीख के बाद फिर मंगल आएगा आपकी राशि पर, ये दिक्कतें कम हो जाएंगी। अगले महीने यानी कि नवंबर के महीने में मंगल आपकी राशि पर ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा बहुत हो सकता है क्रोध गुस्सा बीबी ब्लड प्रेशर वालों को थोड़ी बहुत दिक्कत हो, पर वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा ये दिसंबर के महीने में वक्र हो जाएगा और 7 दिसंबर को मंगल ने वक्र होकर के द्वादश का फल करना शुरू कर दिया। द्वादश में मित्रों शत्रु राशि है, यानी के आपके अक्टूबर महीने के शुरुआत के 20 दिन और दिसंबर में 7 तारीख के बाद का पूरा दिसंबर, ये टाइम में आपको स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके थोड़ा देखते हैं कि स्टूडेंट्स का इन 3 महीनों के दौरान क्या दिखाई दे रहा है। विद्यार्थी वर्ग के बच्चों, भाई आपके लिए देखो मंगल देव की कृपा भी आपको मिल रही है, अक्टूबर में ही 20 तारीख के बाद ही मंगल का आपकी राशि बनाना, ये बहुत शुभ सूचना है आपके लिए। शुभ सूचना इसलिए है क्योंकि बुध भी आपकी पंचम पर रहेंगे, बुध पढ़ाई लिखाई से संबंधित अच्छा ग्रह माना जाता है, बुध जो है तृतीय भाव का स्वामी है, और इसी के साथ में मित्रों बुध महाराज की स्थिति द्वादश स्थान के स्वामी होने के कारण से भी बुध आपको कहीं ना कहीं पढ़ाई को लेकर के समझदार, चीज़ों को समझ में आना ये बना दें। पर जब हमने यहाँ पर मंगल की स्थिति को देखा, वो या मंगल को 20 तारीख के बाद अगर कोई एग्ज़ाम आपका पढ़ रहा है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि भैया आप उसको बहुत अच्छा करें। शुक्र बुध दोनों के प्रभाव पंचम पर रहेगा, बाकी नवंबर के महीने में पंचमेश मंगल आपकी राशि पर रहेंगे, सबसे अच्छी अवस्था है मित्रों नवंबर के महीने, एग्जाम निकालना, पढ़ाई करना, अपनी योग्यता को दिखाना, ये नवंबर का महीना आपको बहुत कुछ सफल बना के जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा इन 3 महीनों के अंतराल में कई सारे कर्क राशि के जातकों का करियर सेट हो जाएगा, यानी करियर में आनंद आ जाएगा, और ये वही महीना है मित्रों नवंबर का महीना। नवंबर के महीने में मोस्टली कई कर्क राशि के जातकों के एग्जाम निकलेंगे और वहीं कई कर्क राशि के जातकों का काम कारोबार सफल हो जाएगा, यानी नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपका थोड़ा सा प्रेम सौहार्द को देखते हैं कि भाई प्रेम की क्या स्थिति है इस महीने, मतलब इन 3 महीनों के दौरान में। तो प्रेम भाव पर तो मैं तो यही कहूँगा मैं कि बुध का और शुक्र का दोनों का प्रभाव शुरुआती दिनों में रहेगा, पर नवंबर के महीने में शुक्र चले जाएंगे हमारे षष्ठम स्थान पर और पंचम पर आ जाएंगे सूर्य महाराज और लग्न पूर्णिमा मंगल। ये जो हमारा नवंबर का महीना है ना, इसमें हमारा क्रोध चरम पर हो सकता है, गुस्सा चरम पर हो सकता है, हमारा पार्टनर या जो हमारा जो भी हमारे जिसके साथ में हम रहें उसके स्वभाव में बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी,
और देखो नवंबर एक ऐसा महीना होता है सर्दी का ठंड का माहौल होता है उस दौरान में, और बड़ी अचंभित करने वाली बात है कि ऐसे ठंडे के माहौल में ऐसा गर्म मिजाज होना तो ये आपके जीवन में तनाव लेके आ सकता है। इसको बहुत आराम से हमें निकालना है, समझदारी से निकालना है, सूझबूझ से निकालना है। नवंबर के महीने में कोई भी अगर आपके आसपास में मतलब कोई भी ऐसी बातचीत होती हो तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप बातों को बिगाड़ने के बजाय सुलझाने पर ध्यान दें, और कई सारी चीज़ें सुन करके इधर सुने और इधर से निकालें, क्योंकि तो अगर आप उन चीज़ों में सुन करके रिएक्ट करोगे तो बुध जरूर आपको दिक्कत प्रदान करेगा। वहीं दिसंबर के महीने में शुक्र फिर केंद्र में आ जाएगा, सप्तम भाव में आ जाएगा, दाम्पत्य जीवन पर भी प्रेम का सौहार्द मिलेगा और वहीं पर आपके लिए बहुत अच्छे योजना भी आपके व्यापार को लेकर के सफल हो जाएगी। देखो लव रिलेशन को लेकर के मैंने नवंबर का महीना थोड़ा टिपिकल इसलिए बताया है क्योंकि नवंबर महीने में आपको क्रोध आक्रोश थोड़ा ज़्यादा देखा जा रहा है। दिसंबर में बुधदेव पंचम पर ही रहेंगे, पंचम भाव पर इनका प्रभाव रहेगा, बहुत ज़्यादा शुभ मुहूर्त को दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं यहाँ सबसे ज़्यादा जो लाभ होगा विद्यार्थियों को और संतान पक्ष को लेकर के। देखो कई सारे कर्क राशि के जातक ऐसे हैं जो संतान वर्ग को लेकर के परेशान हैं, संतान भाव को लेकर के परेशान हैं, तो ये जो मिड पार्ट नवंबर का जो महीना है तो संतान पक्ष के लिए बहुत अच्छा है। संतान की ग्रोथ, संतान की एजुकेशन, संतान से मिलने वाले लाभ सब प्रकार के लिए नवंबर का महीना बहुत ज़्यादा शुभ है। और देखा जाएगा जिन गर्भवती स्त्रियों को गर्भ से संबंधित दिक्कत है या फिर अगर आप विचार कर रहे हैं बेबी प्लान करने के लिए, तो ये नवंबर का महीना आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट हो सकता है, इसी को आपको चुनना चाहिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तीनों महीने के अंतराल के दौरान बात करेंगे आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखो तो वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से नवंबर में शनिदेव हो रहे हैं मार्गी, शनिदेव इससे पहले वक्र हो रखे थे और ये अष्टम भाव में होकर के सप्तम का फल कर रहे हैं। मैं तो इसको समझना थोड़ा सा बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सप्तम में इसका अष्टम भाव के अंदर वक्र होने का तात्पर्य कि आपके सप्तम भाव का फल आपको प्रदान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके परिवार में दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ तनाव, चिंता, कुछ ना कुछ तो परेशानी लगी हुई थी। अब यहाँ देखो एक चीज़ अच्छी है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझदारी से सॉल्व हो जाएंगी, कुछ चीज़ें निकल जाएंगी। एक एक तरफ से देखें तो वही कर्क राशि वालों के जिनके पति पत्नी में डाइवोर्स का बहुत ज़्यादा जबरदस्त योग बन गया, अब ऐसी स्थिति है कि भाई डाइवोर्स ही उनका एकमात्र सहारा है, तो डाइवोर्स ही होगा, उसमें कुछ बचा ही नहीं है शेष, तो उनका तो लगभग मान के चलो उनका तो काम तो हो गया। जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे आपका कोर्ट कचहरी मुकदमा अगर डाइवोर्स से संबंधित अटका हुआ है तो इसको फाइनल करवा देंगे। पर वहीं पर ध्यान देना होगा जिनका दाम्पत्य जीवन तो ठीक है परंतु शनि के मार्गी होने से आपके पार्टनर के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत जरूर आ सकती है, और ये देखा भी जा रहा है कि कभी पार्टनर का मूड चेंज हो रहा है, कभी उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, कभी कुछ तो कभी कुछ, कहीं ना कहीं आपको आपके पार्टनर की ओर से बार बार चिंता आ रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है मित्रों कि शनि सप्तम में होकर के अष्टम में जा रखे हैं, पर शनि अष्टम भाव के भी कारक हैं तो विपरीत परिस्थितियों से आपको बाहर निकालेंगे। जितना आप कहीं ना कहीं रहस्यमय रहोगे, गुप्त रहोगे, अपनी चीज़ों को छुपा करके काम करोगे, उतना आपके लिए ये गोचर शनिदेव, क्योंकि कर्म के फल के दाता इस समय गुप्त भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, ये आपको उतना ही अच्छा फल करेगा। अच्छा एक बहुत अच्छी अवस्था होती है, बहुत अच्छी बात होती है, शनि अष्टम भाव के अंदर होंगे तो ये तंत्र मंत्र की तरफ कहीं ना कहीं व्यक्ति की क्रिया ले जाते हैं। तंत्र मंत्र पूजा पाठ, शनि कर्म कराने वाला ग्रह है, शनि आपके लिए मुख्य रूप से सप्तम भाव का मालिक है, तो आपके पार्टनर की भी पूजा पाठ आपके लिए समय काम करेगी। आप भी अगर कहीं ना कहीं पूजा पाठ करते हो या तंत्र मंत्र का सहारा लेते हो, उसको कुछ गलत नहीं समझना है, तो ये अष्टम भाव तंत्र का ही भाव माना जाता है। तो आप वो काम जो आपका सामने से नहीं कर पा रहे हो वो मात्र मंत्र सिद्धि के द्वारा, तंत्र सिद्धि के द्वारा आप क्षणिक कुछ ही दिनों के अंदर उसको कर सकते हो, यानी ये आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट पीरियड है 16 नवंबर के बाद में, जिसमें शनिदेव आपको ये लाभ दे रहे हैं। अच्छा जो लोग हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ काम करते हैं, जो लोग बीमा एजेंसी में काम करते हैं, जो लोग लकड़ी का व्यापार करते हैं, जो लोग शनि से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं, जो लोग मुख्य रूप से मेटल का काम करते हैं या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का व्यवसाय करते हैं, काले रंग की चीज़ों का बिजनेस करते हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि शनिदेव का मार्गी होना
आपके लिए विशेष कल्याणकारी है, विशेष लाभ प्रदान करने वाला है। ऐसे में आपको भर भर के लाभ मिल सकता है, बहुत जबरदस्त आपका काम हो सकता है। जिन बिजनेस वालों का एक मैं बताऊंगा, व्यवसाय में 16 तारीख तक तो आपको इन्वेस्टमेंट ना करें, बाकी 16 तारीख के बाद यानी 16 नवंबर के बाद में आपका इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक होगा और बहुत जबरदस्त होगा। विदेश यात्रा के प्रबल योग बनेंगे, विदेश यात्रा की रुकावट दूर होगी और आपके दाम्पत्य जीवन का जो तनाव है, जो चिंता है, वो थोड़ी स्तर तक रहेगी, अभी पूरी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि जब तक अष्टम में शनि है तब तक थोड़ी तो दिक्कत वो करेगा। अब कर्क राशि वालों, आप पर चल रही शनि की ढैया, तो आपने ये सारी चीजें देखी। अभी इस दौरान में आपने कुछ ऐसी घटनाएं देखी यानी इस वर्ष भी, जिसमें आपका विश्वास भी उठ गया लोगों से कि भाई ज्यादातर लोगों को चीजें बतानी भी नहीं चाहिए, और इसलिए आप खुद ही कुछ ना कुछ रहस्य में हो गए, कुछ ना कुछ गोपनीय आपका हो गया है। शनिदेव की स्थिति वैसे चेंज रहे हैं कि ऊपर शनि मार्गी हो जाएंगे, तो यानी आपके लिए शुभ है, आपके लिए अच्छे हैं। कई चीज़ों में शनि आपको थोड़ा सही फल करेंगे, पर अभी दिक्कत समाप्त पूरी तरह से नहीं हो रही है, दिक्कत पूरी तरह समाप्त नहीं करेंगे, तो यानी कि थोड़ी राहत आपको एक प्रदान कर देंगे। शनिदेव की स्थिति कहीं ना कहीं आपको आपके जो ससुराल पक्ष की ओर से जो कुछ चिंता थी उसको कुछ कम करेगी, ससुराल पक्ष से आपको कुछ ना कुछ लाभ प्रदान करा सकती है। शनिदेव आपको कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा संकट की स्थिति थी उससे बाहर निजात करेंगे। जिन लोगों का बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य खराब हो रखा था, उनका स्वास्थ्य भी उत्तम करने के लिए शनि महाराज सक्षम हैं। शनि महाराज यहाँ पर आपकी दृष्टि जो है शनि के कर्म स्थान पर जाएगी, तो भैया आपको कुछ चीज़ें समझनी है। नवंबर के बाद ही आपको आपके काम पर बहुत ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा, अपनी गलतियों के बारे में किसी को बताना नहीं है, कोई चीज़ें शेयर नहीं करनी है, और अपनी दिनचर्या अपने काम के लिए जरूर स्पेशल आपको बना करके चलनी पड़ेगी। चलो काम की बात हो गई, सबसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं, आपका भाग्य, आपका करियर, आपका बिजनेस कैसा दिखाई दे रहा है, और आपकी नौकरी। भैया नौकरी के मिजाज से कर्क राशि वालों को ये 3 महीने बहुत सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सबसे बढ़िया, सबसे जबरदस्त, क्योंकि अक्टूबर के महीने में नौकरी के भाव के मालिक 20 तारीख तक तो थोड़ा सा अशुभ है, और 20 तारीख के बाद ही आपकी नौकरी मिलने की संभावना प्रबल हो जाती है, आपके काम में प्रोफेशन अच्छा हो जाता है। 20 तारीख से लेकर के और पूरा नवंबर तक आपका जबरदस्त योग है भैया, कि आप मिलिट्री हो, डिफेंस हो, आप इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर हो, आप टेक्निकल फील्ड के अंदर हो, आप किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य के अंदर, इसमें रोमांच भरा हुआ का है, इसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति को एक एनर्जी चाहिए होती है काम करने के लिए, मेहनत वाले जितने भी प्रकार के काम है उन सभी के लिए मंगल ये 2 महीना बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। लगभग 2 क्या पूरा 3 महीना मान करके चलिए, तो शनिदेव दिसंबर में जब द्वितीय स्थान पर आएगा तो शनि और सूर्य की बनेगी प्रतियुति, शनि और सूर्य की प्रतियुति बढ़ने से ये दिसंबर के महीने में जो काम आप करोगे, काम तो भी सफल हो जाएंगे, पर दिसंबर में कुछ चैलेंज ज़्यादा देखेंगे आप। दिसंबर में काम में थोड़ा अवरोध मिलेगा आपको, दिसंबर में आपके आपके सामने शत्रु सामने आ सकता है, शत्रु आपको रोकने का काम कर सकता है, आपको आपका दम दिखाने का, आपको बल दिखाने का, सामर्थ्य दिखाने का सबसे अच्छा समय है दिसंबर 2024, और यही मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। दिसंबर के महीने में मंगल और शनि की प्रतिति, आप कहीं ना कहीं छोटे छोटे बड़े बड़े विवादों में फंस सकते हो, इसलिए दिसंबर का महीना क्रोध पर नियंत्रण धरने का महीना रहेगा, क्योंकि काम खराब कराएंगे केवल वाणी, वाणी भाव पर रहेगा मंगल महाराज का प्रभाव, और मंगल की जब वाणी का प्रभाव होता है तो व्यक्ति के जो अंदर आता है उसको मुंह पर बोल देता है और बिल्कुल भी शांत उसमें नहीं रहता, यानी दबता नहीं है, घबराता नहीं है, एनर्जेटिक बहुत रहता है। तो दिसंबर का महीना थोड़ा इन चीज़ों से बचाव करने की आवश्यकता है। बाकी आपका नौकरी प्राप्ति के लिए, नौकरी में प्रमोशन के लिए, और नौकरी में चल रहे संघर्ष कम करने के लिए, अपनी नौकरी में अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए, कुछ भी परिवर्तन करना आप चाहते हो कार्य में, नौकरी में, तो आप नवंबर के बाद में करने का प्रयास कर सकते हो, नवंबर से पहले आपको थोड़ा बचना चाहिए। तो मंगल ये बहुत अच्छे अवस्था के अंदर है। सबसे बड़ी सबसे महत्वपूर्ण चीज है मित्रों, इन तीनों ही महीने में भाग्य महाराज आपका साथ दे रहे हैं, परंतु राहु की स्थिति भाग्य पर बनी हुई है। भाग्य का साथ होने से आपने महसूस भी किया होगा कि जब जब आपका काम बिल्कुल बिगड़ने पर होता है, काम बिल्कुल खराब हो गया, अब लग ही नहीं रहा कि काम सही हो सकता है, तभी एंड मौके पर कोई ना कोई वस्तु, कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई व्यक्ति आपके अंदर बैठ करके आपको समझदारी देकर के आपके द्वारा ही वो काम करा देता है कि आप उसको कहीं ना कहीं बिगड़ते बिगड़ते संभाल लेते हैं, बहुत बड़ा नुकसान होने से कहीं ना कहीं बचा लेते हो अपने आपको। ये बात हकीकत है, कर्क राशि वाले कई जातकों का नुकसान हुआ है ढैया काल के अंदर, पर ये बहुत अच्छा समय मिला है, बहुत शीघ्र आप पर अगले साल नव वर्ष का प्रारंभ होने जा रहा है, और नव वर्ष में शुभ सूचना आपके लिए
कि मार्च में आप पर ढैया पूरी तरह से समाप्त हो जाए। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 6 महीने मित्रों आपके ढैया काल समाप्त होने के मतलब बचे हुए हैं। 6 महीने और आपको ढैया के अंदर, अंतराल के अंदर रहना है, इसके बाद ढैया से आपको मुक्ति मिलना है और ये बहुत अच्छा अच्छी अवस्था इसी के कारण से मैं आपको बता पा रहा हूँ। मित्रों बात करते हैं भाग्य की, तो भाग्य लोगों का सपोर्ट, धर्म कर्म में यात्रा और आपके पिता का मुख्य रूप से आपको सपोर्ट इस समय देखा जा रहा है कि कुछ भी हो पिता की समझदारी हो, आप पिता का आपको मान सम्मान जरूर करना है, पिता के सपोर्ट में रहना है, उनके सानिध्य में रहना है, क्योंकि भैया देखो पिता जो बताते हैं, पिता जो करते हैं वो हमारे लिए अच्छा ही होता है, कभी पिता अपने पुत्र के लिए खराब नहीं हो सकता। समय परिस्थिति के अनुसार हमें आपस में दूरियां बढ़ जाती हैं। तो सूर्य महाराज की स्थिति भी इस महीने जो है कर्क राशि वालों के लिए बेहद सुंदर है। सूर्यदेव भी आपके लिए जो कंपटीशन का एग्जाम निकालना चाहते हैं बच्चे, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अवस्था के अंदर आएंगे। तीनों ही महीने में सूर्य चतुर्थ में रहेगा, प्रॉपर्टी का लाभ कराएगा, भवन भूमि वाहन का सुख देगा। सूर्य पंचम में रहेगा, विद्या का लाभ प्रदान करेगा, विद्यार्थियों को सुख देगा। सूर्य षष्ठम में आएगा लास्ट तीसरे महीने में, दिसंबर के महीने में। तो अगर आपका कोर्ट कचहरी मुकदमा ये चल रहा है तो 15 दिसंबर के बाद सूर्यदेव की स्थिति आपको कोर्ट कचहरी में मुकदमे में विजय प्रदान करने के या शत्रु से जो है बचाव करने के लिए आपको बहुत जबरदस्त आपको फल प्रदान कर सकती है। मित्रों इस पूरे ही तीनों महीने के टाइम पीरियड के अंदर आपको दो तीन काम करने हैं। सबसे पहले तो आपको भीगी हुई उड़द पक्षियों को डालनी है। शनिवार को आपको पंचमुखी हनुमत कवच या बड़वानल स्तोत्र का पाठ करना है। सबसे अच्छा रहेगा आप शनि दशरथ कृत स्तोत्र का पाठ करो। और एक प्रयोग आपको बता रहा हूँ मित्रों, 4 बोतल मदिरा अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉक वाइज उतार कर आप कभी भी रात्रि काल में शनिवार के दिन बहते जल में प्रवाहित कर दो। भैया के 6 महीने बचे हुए हैं, भैया के 6 महीने के अंतराल के अंदर भी आपका कार्य अवश्य सफल हो जाएगा। तो मित्रों ये थे कुछ उपाय, ये थे कुछ जानकारी जो हमने आपको बताई है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने के बीच में कि क्या कुछ हो सकता है, कैसे आपको बचाव रखना है, क्या उपाय आपको करके चलना है। आशा करते हैं बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा और बने रहेगा हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम श्री विद्या।